देखिए सैटरडे का दिन हो, नैनीताल में जाम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं दोस्तों, 6 से 8 जो होता है मॉल रोड बंद होने का समय होता है, लेकिन नीचे वाली रोड जो है खुली रहती है। तो देखिए है नैनीताल का रिक्शा स्टैंड, और यहाँ पर देखिए लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। अभी जो समय है 7:30 बज रहा है, और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि चांद कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पर भी कुछ लोग चल रहे हैं वैसे, लेकिन जो मेन है अपर। दोस्तों मॉल रोड से निकल के मैं आ गया हूँ पंत पार्क वाली तरफ, तो आप देख सकते। तो यहाँ की भीड़ भाड़ से निकल के मैं सीधे आगे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ शाम के ब्लॉग में, और मैं हूँ बिल्कुल झील के किनारे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर झील लग रही है, और सामने मून भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आगे मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह का नैनीताल हो रहा है शाम के वक्त में। बस अंधेरा होने ही वाला है, चलिए बैक कैमरे में चलते हैं और दिखाता हूँ कैसा नैनीताल हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये मैं झील के किनारे हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमल वेक की चोटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और झील देखिए ठंडी सड़क वाली तरफ कैसी दिखाई दे रही है। तो जो टूरिस्ट हैं वो लौट रहे हैं यहाँ पर नाव से। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ जहाँ से मून बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सामने से देखिए चांद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, अगर मेरा कैमरा साथ देगा तो अच्छा दिखेगा। देखिए बहुत सुंदर यहाँ से मून दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर नैनीताल लग रहा है। देखिए बहुत बढ़िया, अभी बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ है, देर शाम का वक्त है, और मून की देखिए चांदनी, देखिए यहाँ पर चांद की चांदनी, ये देखिए सामने बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। तो नैनीताल आज जो है बिल्कुल पैक है, एकदम फुल है, बहुत ही ज़्यादा रश है। मैं आपको मॉल रोड की तरफ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि जो शाम को 6 से 8 लोग घूमते हैं तो किस तरह से एंजॉय करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं मॉल रोड की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गया मॉल रोड में, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा चहल पहल हो रही है। कोई बाइक लेके पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया, ये कुछ टूरिस्ट जो होते हैं बड़ी बदतमीजी करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। देखिए UP 12 है ये, और यहाँ पर बिल्कुल अभी बाइक चलाना अलाउड नहीं है। और टूरिस्ट देखिए कितने सारे हैं, बिल्कुल पीक सीज़न है नैनीताल का। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलो। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरफ आया हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे वाली रोड में इस तरफ जाम नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही सुंदर नैनीताल वाकई में लग रहा है, ऐसा कहना होगा। आइए आगे चलूँ, क्योंकि मुझे अंकल जी की आवाज़ आ रही है जो गाने गाते हैं मुकेश की आवाज़ में, चलिए उन्हें सुनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, अंकल जी की आवाज़ कई बार यूँ भी देखा है, गाना गा रहे हैं। आइए आगे से सुनते हैं उन्हें, और देखते हैं कितने लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें सुन रहे हैं। और अंकल जी को सुन के हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो लोग गाना गाते हैं, एक तो अंकल जी गाना गाते हैं और एक अनस भाई गाना गाते हैं। तो देखिए बड़े जबरदस्त वाली भीड़ लगी है उनके वहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा गाना गाते हैं अनस भाई। तो आइए थोड़ा सा उनको भी सुनते हैं। ये देखिए अनस भाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त वाली भीड़ है नैनीताल का। ये बहुत बढ़िया टैलेंट है, और बहुत अच्छा गाना गाते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल मेला सा लगा हुआ है, जगह नहीं है, बड़े मुश्किल से अंदर घुसा। चलिए अब वापस आपको लेके चलता हूँ नैनीताल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अपर मॉल रोड में अभी जो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कितना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। लोअर मॉल रोड देखिए खाली है, यहाँ पर भी कुछ लोग चल रहे हैं वैसे, लेकिन जो मेन है अपर मॉल रोड है। लोअर मॉल रोड में क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं, और अभी 6 से 8 तक मॉल रोड में गाड़ियाँ नहीं चलती अपर मॉल रोड में। तो दोस्तों मॉल रोड में आप देख रहे हैं खूब चहल पहल है लोगों की, खूब बढ़िया सा माहौल है यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट्स यहाँ पर अच्छी हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलें। तो ये मैं आ गया मचान के पास में, तो यहाँ पर ज़्यादा रश है, ये देखिए। तो एकदम खूब ज़्यादा भीड़, और आगे आया हूँ तो और ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। नाइट में थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। आगे चलते हैं, थोड़ा हिलता डुलता सा आ रहा होगा मुझे लगता है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्टेबल रह सकूँ। तो आगे आगे चलते हैं। अब चलिए मैं आपको सीधे आगे की तरफ लेके चलता हूँ, पंत पार्क वाली तरफ। तो दोस्तों देखिए, मॉल रोड का बिल्कुल एंड में, यानी कि मल्लीताल स्टेशन के पास में आ गया हूँ। तो आज आप लोगों ने सैर की है, मॉल रोड ही देखा है, मॉल रोड शाम के समय में किस तरह का होता है। तो थोड़ा मैं आपको पंत पार्क और भोटिया मार्केट दिखा देता हूँ। उससे पहले ऐसे दिखा दूँ कि हम देखिए कहाँ से आए हैं। दोस्तों मॉल रोड से निकल के मैं आ गया हूँ पंत पार्क वाली तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चवड़स वाला मेले वाला माहौल है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं भीड़ के अंदर। तो देखिए इस तरह की कुछ भीड़ भाड़ है पंत पार्क में। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर चलना, पैदल चलना ही बड़ा मुश्किल है। खूब भीड़ भाड़ है, खूब दुकानें लगी हैं, देखिए खूब दुकानें लगी हैं फड़ में, और खूब चहल पहल है। शाम का कारोबार बहुत बढ़िया है इस वाली मार्केट में। तो बहुत सारे देश विदेश से हमारे यहाँ पर व्यापारी आते हैं दुकानें लगाने के लिए। तो दूर दूर के व्यापारी हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए आते हैं। और ये बाइक वाले देखिए यहाँ पर भी ज़बरदस्ती घुस गए हैं। ये भी UK 06 रुद्रपुर के हैं। ये देखिए एक और आ गए हैं नीला। तो ये देखिए खूब चहल पहल है दोस्तों। थोड़ा सा चलने में संभल के चलना पड़ रहा है, किसी से टक्कर ना लग जाए, इस तरह के हाल है। तो यहाँ की भीड़ भाड़ से निकल के मैं सीधे आगे लेके चलता हूँ आपको भोटे मार्केट की तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। तो बड़ा टक्कर लग जा रही है इसकी वजह से। सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ से निकल के भोटिया मार्केट वाली तरफ। तो दोस्तों उस भीड़ से निकल के दूसरी भीड़ में आ गया, यानी कि भोटिया मार्केट में आ गया। तो आज यहाँ पर भी जबरदस्त वाली भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए जहाँ पर भी देखें हम लोग एकदम खचाखच भरा हुआ है, जगह ही नहीं है ऐसा कह सकते हैं। आज वाकई में पैर रखने के लायक भी जगह नहीं है ऐसा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया रस है यहाँ पर, खूब भीड़ है दुकानों में भी, और यहाँ पर मैदान में भी, जो खुला मैदान है यहाँ पर भोटिया मार्केट का, देखिए इस तरफ तो खूब चहल पहल है। दुकानों में भी बढ़िया काम हो रहा है, लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर लग रहा है शाम के समय में। ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और ये देखिए इनको दिन में भगा देते हैं, लेकिन शाम को फिर से हाजिर हो जाते हैं ये लोग। और इस तरह से देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर लग रही है भोटिया मार्केट और तिब्बती मार्केट, चाट पार्क वगैरह, बहुत सुंदर लग रहा है रात के समय में। तो रात के समय का नैनीताल बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सामने यहाँ पर घरों की लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल। तो दोस्तों आज घूम के आया मॉल रोड में, और आपने देखा कि मॉल रोड बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वो भाई मिल गए हमें, हेलो वो भाई। तो वो भाई बढ़िया है। और दोस्तों इनका एक यूट्यूब में चैनल भी है, बोबो UK 04, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल तो मैं दिखा सकता हूँ, ये सा मैंने लिखा हुआ है चैनल, इस तरीके का दिखेगा, ऐसा ये है इसको आप सब्सक्राइब। तो बोबो UK 04 को जरूर सब्सक्राइब करें आप, बोबो भाई को आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब भी किया करिए, बहुत ज़्यादा भाव सी जम गई है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को एंड कर रहे हैं, और कल फिर हम लोग आएंगे फिर से एक और ब्लॉग में। लाइट में पता नहीं अजीब अजीब सा यहाँ पर क्या लग रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, साफ सफाई का ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे कल को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।